नया प्रोमो आउट हुआ है नॉमिनेशन को लेकर। केन फर्न्स जो डिजाइनर आए हैं क्या कहते हुए दिख रहे हैं उस सुंबल को, किस तरह से सुंबल पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, सवालों के घेरे में आखिर क्यों नजर आ रही है सुंबल, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे यहाँ पर हम फिल्म विंडो की इस खास रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पर, आपके साथ मैं हूं दीपिका भटनागर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है सुंबुल को लेकर, क्या कुछ प्रोमो में बात हो रही है, जो नॉमिनेशन से रिलेटेड प्रोमो आउट हुआ है यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए नॉमिनेशन इस बार वक्त के हिसाब से हो रहा है, वक्त का सही अनुमान लगाना है। क्या सही अनुमान वक्त का लगाना है? 9 मिनट वक्त का सही अनुमान लगाना है और यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट अपने अपने हिसाब से वक्त का अनुमान लगाते हुए दिख रहे हैं सुंबुल को लेकर। लेकिन इसी बीच जो डिजाइनर केन फर्न्स आए हुए हैं फिनाले के कपड़े डिजाइन करने के लिए, वो बड़ी बात कहते हैं और ये कह रहे हैं कि आप तो कहीं गुम, कहीं लॉस्ट सी लग रही है। यानी कि अभी तक वो लॉस्ट वाला जो टैग है वो सुंबुल के सर से नहीं हटा है। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एज फैक्टर जो है आपका, वो अब उसमें से एज निकल गई है, फैक्टर ही फैक्टर रह गया है। मतलब वो आपका पॉजिटिव साइड होना चाहिए था लेकिन आप उसका कुछ भी फायदा नहीं उठा पाए, इस तरह की बातें केन जो है वो कहते हुए सुंबुल तौकीर खान को नजर आ रहे हैं। सुंबुल की अगर बात करें तो सुंबुल नॉमिनेट हैं इस हफ्ते। जी हाँ, सुंबुल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गई हैं। मंडली के तीनों ही सदस्य निमृत के अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है निमृत सेफ है, शिव, स्टैन और सुंबुल नॉमिनेटेड हैं। और ऐसे में फिर एक बार सवालों के घेरे में सुंबुल का आना, ये इस बात पर जरूर क्वेश्चन है कि क्या सुंबुल वाकई डिजर्व करती थी यहां तक पहुंचना, या फिर उनकी इमेज गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई, क्योंकि केन भी उन्हें रोने वाली जो इमेज है उसको मार्क करते हुए दिखाई देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।